मेरे परिवारजनों, जब नियत नेक हो, राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि हो, तो नतीजे भी उत्तम से उत्तम मिलते हैं। आजादी के इसी अमृत महोत्सव के दौरान भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की है। हमने सदी के सबसे बड़े संकट कोरोना काल का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। इसी दौरान हमने विकसित भारत के निर्माण का रोडमैप बनाया। अमृत महोत्सव के दौरान ही भारत दुनिया की पांचवी बड़ी आर्थिक ताकत बना। अमृत महोत्सव के दौरान ही दुनिया में बड़े बड़े संकटों के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बना। भारत ने चंद्रमा पर अपना चंद्रयान उतारा। भारत ने ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। भारत ने एशियाई खेलों और एशियन पैरा गेम्स में 100 पदकों का रिकॉर्ड बनाया। अमृत महोत्सव के दौरान ही भारत को 21वीं सदी का नया संसद भवन मिला। महिलाओं को सशक्त करने वाला ऐतिहासिक नारी शक्ति मंदन अधिनियम मिला। भारत ने निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए। कृषि उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया। इसी दौरान वंदे भारत ट्रेनों का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ। रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने वाला अमृत भारत स्टेशन अभियान शुरू हुआ। देश को पहली रीजनल रैपिड ट्रेन नमो भारत मिली। देश भर में 65,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए। भारत में मेड इन इंडिया 5G लॉन्च हुआ और सबसे तेजी से विस्तार भी हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी इसी दौरान लॉन्च हुआ। अनगिनत बातें मैं आपके सामने रख सकता हूं। मेरे परिवारजनों, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने राजपथ से कर्तव्य पथ तक का सफर भी पूरा कर लिया है। हमने गुलामी के भी अनेक प्रतीकों को हटाया। अब कर्तव्य पथ के एक छोर पर आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। अब हमारी नौसेना के पास छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज है। अब अंडमान और निकोबार के द्वीपों को स्वदेशी नाम मिला है। इसी अमृत महोत्सव के दौरान जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा हुई। इसी अमृत महोत्सव के दौरान साहेबजादों की याद में वीर बाल दिवस की घोषणा हुई। अमृत महोत्सव के दौरान ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में देश को याद कराया गया।